नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको मोर सोर्सेज ऑफ इनकम क्यों क्रिएट करना है और वो कैसे क्रिएट करना है। और ये मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम और रेंटल इनकम पे ध्यान देना है। वो सब चीज़ें तो सब बताते हैं, राइट? बट इनमें से एक ज़रूर आएगा मेरे लिस्ट में, तो इसके लिए वीडियो देखना, पूरा देखना ना भूलें। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने क्या क्या सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट किए हैं अपार्ट फ्रॉम योर मेन जॉब और योर मेन बिजनेस, ठीक है? अगर कोई भी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो, और मुझे भी समझ में आएगा। वी कैन ऑल्सो डिस्कस कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अभी शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये मोर सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है। पहला तो सिंपल सी बात है, वेल्थ क्रिएशन अगर आपको करना है लाइफ में, आपको कंफर्टेबली फाइनेंशियली फ्री होना है, तो उसके लिए आपको अपने 20s में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इक्विटी में डंप करने हैं, राइट? क्योंकि आप जितना कैपिटल आप इनिशियल ईयर्स में डाल पाएंगे मार्केट्स में, उतना ही टाइम आप अपने पैसों को देंगे ग्रो करने के लिए फॉर 20-30 ईयर्स, एंड दैट विल हेल्प यू क्रिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, राइट? ओके, उसके अलावा क्या है, दिस विल हेल्प यू लर्न मोर स्टफ, राइट? आपका जो अपॉर्चुनिटीज है वो ओपन अप होंगे, राइट? जैसे जैसे आप अपने स्किल्स बिल्ड करेंगे, आप अपने स्किल्स बिल्ड करेंगे कि यू विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस से, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखनी पड़ेगी, राइट? तो उससे आपकी दूसरे तरह के स्किल्स बिल्ड होंगे, तो इससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप कंटिन्यूसली रिइटरेट करते रहेंगे, कंटिन्यूसली नई नई चीज़ें ट्राई करते रहेंगे, और जिस दिन जो स्ट्राइक हो गया, दैट विल हेल्प यू क्रिएट यू नो इमेंस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी और वेरी बिग बिजनेस प्रॉबेबली आउट ऑफ इट। सो अभी हम लोग समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस है अपने पास, राइट? तो आपको अपने कोर जॉब पे तो फोकस करना ही है फ्रेंड्स। कोर जॉब पे आपका जो भी 9 to 5 का जॉब है उसमें आप एकदम ध्यान दें, उस टाइम पे आप कुछ ना करें, ट्रेडिंग वेडिंग ये सब छोड़ दें। अगर आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी ग्रोथ होगी उसमें, और उसमें आपको इनकम भी बढ़ेगा, राइट? बट अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ओके, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है या आपका पैशन कहीं और है, तो आपको क्या करना चाहिए, देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट क्रिएटिंग अदर सोर्सेज ऑफ इनकम ऑल्सो, राइट? तो फर्स्टली आपका जो भी पैशन है आप उसको एक्सप्लोर करें, राइट? अगर आपको पेंटिंग पसंद है या फिर राइटिंग पसंद है, तो वॉट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग स्टफ एंड स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन, राइट? ऑनलाइन आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज है, यू कैन यूज इंस्टाग्राम, यू कैन यूज ट्विटर, एंड यू नो स्टार्ट पुटिंग आउट योर आर्ट। अगर कोई किसी ना किसी को पसंद आएगा तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर बिक। यू कैन कंसिडर कंसल्टिंग जॉब्स, राइट? अगर आप यू नो कोई भी बैकग्राउंड से हैं और उस बैकग्राउंड में आपको डिसेंट अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप कंसल्टिंग कर सकते हैं। यू नो आप जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं किसी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकता हूँ, किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू कर सकता हूँ, तो कुछ ना कुछ काम किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प कर सकता हूँ। तो कुछ ना कुछ काम आपको अपने प्रोफेशन से, अपने यू नो एजुकेशनल बैकग्राउंड से, अपना एक्सपर्टीज यूज करके आपको काम क्रिएट करना है, सो दैट आप जाके अगर लोगों को पूछेंगे, आप बोलेंगे उनको कि आपको ये काम आता है, तो आपको डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा, एंड यू कैन चार्ज अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ इट, राइट? देन लाइक आई टोल्ड यू, यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। आप जो भी चीज के लिए पैशनेट है, यू नो ट्राई टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। यू कैन यू नो कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन मेक अ, फर्स्टली आपको फोकस करना है कि उसको सेल कैसे करना है, तो इसमें आप जैसे जैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यू विल लर्न अबाउट मार्केटिंग, यू विल लर्न अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट, यू विल लर्न अबाउट हाउ पीपल रिएक्ट टू योर प्रोडक्ट्स, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? तो अगर बिजनेस का सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं है, आपको स्टार्ट करना है एक स्मॉल बिजनेस, यू कैन डू इट ओवर वीकेंड ऑल्सो, राइट? तो क्या होगा ना, ये जो स्मॉल बिजनेस है दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन लाइफ, एंड देन मे बी वेन इफ यू आर बोर्ड ऑफ योर जॉब, यू कैन कंसिडर प्रॉबली क्विटिंग योर जॉब एंड स्टार्टिंग गेटिंग फुल टाइम इन टू दिस बिजनेस ऑल्सो, राइट फ्रेंड्स? सो यू नो दीज थिंग्स विल गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस रादर देन मनी इन माई ओपिनियन। पैसा तो चलो ठीक है, सेकेंडरी है, बट इसमें जितना एक्सपीरियंस मिलेगा ना आपको, ये आपको अपने 30s और 40s में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फ्रेंड्स। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, यू डोंट रियली हैव टू टेक इट ऑन यू नो एज राइटिंग इन स्टोन। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा एक और आइडिया है, आप डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कोर्स क्रिएट कर दिया, आपने जैसे कोई एक्सेल में कुछ क्रिएट कर दिया, मैंने क्रिएट किया था सेविंग्स क्रिएट कैलकुलेटर, उससे मेरी डिसेंट इनकम हुई थी अराउंड 15,000 रुपीज़ की। अब मैंने उसको फ्री कर दिया, मैं उसका लिंक छोड़ता हूँ, आप देखें गमरोड पे उसको मैंने अपलोड करके किया था, तो आप देखें आपको आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है फ्रेंड्स। उसके अलावा आप डिविडेंड इनकम पे भी फोकस कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम पे आपको फोकस तो करना है, बट जैसे मैंने मेरे दूसरे वीडियोज़ में बताया है, लिंक यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो आपको क्या करना है, डिविडेंड इनकम जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है उसमें टोटल में आपको डिविडेंड पे फोकस नहीं करना है, आपको एक छोटा सा कॉर्पस क्रिएट करना है अराउंड 10-15% ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो, दैट विल कंटिन्यू टू गिव डिविडेंड्स ओवर द लॉन्ग टर्म। बट इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि आप हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के पीछे ना भागें, इंस्टेड ग्रोथ स्टॉक्स के पीछे भागें, जहाँ पे अभी डिविडेंड यील्ड कम है तो भी चलेगा, बट इन 20, 30, 40 ईयर्स
अगर वो कंपनीज ग्रो करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो उनके डिविडेंड्स भी ग्रो करेंगे, राइट? और अगर उनके डिविडेंड्स ग्रो करेंगे तो आपके कॉस्ट पे उसका डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा होगा, राइट? तो यू कैन फोकस ऑन कंपनीज जिनकी टॉप लाइन भी ग्रो हो रही है, बॉटम लाइन भी ग्रो हो रही है और जिनके डिविडेंड्स भी ग्रो हो रहे हैं, राइट? सो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ आपको डिविडेंड ग्रोथ भी मिलेगा एंड यू विल गेट अ हायर डिविडेंड यील्ड लेटर इन लाइफ, राइट? बिकॉज आज के तारीख में आपको नहीं चाहिए ये डिविडेंड यील्ड का इनकम, इसका फायदा आपको 20 ईयर्स बाद में चाहिए. तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स. आप शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो यू विल एंड अप लूजिंग कैपिटल बिकॉज यू विल एंड अप इन्वेस्टिंग इन PSU स्टॉक्स जहाँ पे डिविडेंड यील्ड तो हाई होता है बट कैपिटल अप्रिसिएशन का स्कोप ज़्यादा नहीं होता है, जनरली डिप्रिसिएशन का ही स्कोप रहता है. तो आप ट्राई करें टू फाइंड सच कंपनीज बट दैट इज नॉट यू नो, मैं तो इसमें फोकस नहीं करता हूँ पर्सनली बिकॉज आई बिलीव दैट म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट व्हीकल टू क्रिएट वेल्थ एंड आई कैन स्टार्ट विदड्रॉइंग कैपिटल फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स दैट इज मोर टैक्स एफिशिएंट एज वेल, राइट? बट लॉट ऑफ पीपल लाइक इट सो दैट्स वाई आई शेयर यू नो हाउ यू शुड डू इट, राइट? तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसमें से कौन सा सही लगा और आप कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स. और अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप अपना लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.